देखना ये डराएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनीशा रिएक्ट्स। कैसे हैं जी? उम्मीद है सारे ठीक ठाक मजे में होंगे। और जी आज हम देख रहे हैं ऑफिशियल ट्रेलर अरन मनाई 4 का, और ये जी साउथ से है। और यार मुझे ना बहुत सारी नहीं पता होती कि ये कनाडा हैं, तामिल हैं और तमिल हैं, और बहुत सारी जो है ना साउथ की लैंग्वेजेस हैं, जहाँ से भोजपुरी भी है और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। मुझे ऐसा समझ आएगा, बट मुझे ऐसा लगता है सब साउथ की तरफ से हैं। तो आप लोग जो मुझे गाइड कर देते हैं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के प्यार का। और जी ये अब कहाँ से है, मेरा ख्याल है ये आप मुझे बताइएगा। साउथ से है, ठीक है। और इसको हम देख लेते हैं, उसके बाद जी करते हैं डिस्कशन इसमें क्या है। और ये 4th पार्ट है, और पहले देख लेते हैं फिर करते हैं बातें। शायद चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इंस्टाग्राम पे भी मुझे ज्वाइन करो यार, ठीक है। और मेरी जो वीडियोस हैं उसको शेयर कर दिया करो। ओके लेट्स गो। ये பாருங்க சார், புருஷ மொண்டாடிக்குள்ள ஏதோ தகராறு போல இருக்கு. அத நினைச்சு காட்டுக்குள்ள போனவர் நெஞ்சுவலி வந்து இறந்துட்டாரு. இங்க என்னடா, கோவத்துல உங்க தங்கச்சி சூசைட் பண்ணிட்டாங்க. தங்கச்சி சாவு தற்கொலை இல்ல. தபார் வக்கீல் தான் வேலைய கோர்ட்ல வச்சுக்கோ. என் தங்கச்சி தூக்குல தொங்கின அதே நேரத்துல அவளை வெளியில பார்த்ததா சொன்னாங்க. என்னமோ தப்பா இருக்கு. இதே ஆளை அன்னைக்கு உங்க தங்கச்சி இடத்துல மார்ச்சதுல பார்த்தேன். என்னயா சொல்ற அந்த சாமியாரு? ஏதோ பாக்குன்னு ஒரு பேயை பத்தி சொல்றாரு சார். இது நைட்டு யாரு நம்ம சக்தி ரூம்ல ஒரு உருவத்தை பார்த்தோம். செஞ்சு உங்க சக்தியால அந்த பாக்க கட்டுப்படுத்த வேண்டியது. ஏற்கனவே ரெண்டு உயிர் எடுத்ததுனால இப்போ பலமாயிடுச்சு. இனி மனித சக்தியால அது கட்டுப்படுத்தவே முடியாது. தெய்வ சக்தியால மட்டும்தான் காப்பாத்த முடியும். நீங்க சொன்னதா சார் கரெக்ட். அந்த சாமியார் தான் ஏதோ பண்ணிருக்காங்க. ஆனா இன்னைக்கு ராத்திரி என்னவோ நடக்க போதுன்னு மட்டும் தோணுது. திருவலா அன்னைக்கு மூணு பேர் ஆத்மாவை அபகரிச்சிட்டா அப்புறமா துஷ்ட சக்தி மாபெரும் சக்தியா மாறிடும். देखना ये डराएगा। இந்த டீமை வச்சு ஈ கூட ஓட்ட முடியாது. எங்க இருந்து பேய் ஓட்டுறது? ஆமா, இந்த பேய் பேர் என்ன சொன்னீங்க? குட் ஹோ கயா ஃபுல் ஆன் டராने वाली मूवी, और हम डर गए क्योंकि मुझे पता था ये जो भूत सामने है ना ये जरूर करीब आएगा। ऐसा ही होता है फिल्मों में, खाम खा आपके पॉपकॉर्न्स गिर जाते हैं। यार बहुत अच्छी मूवी है, और इसमें यही स्टोरी है एक बहन की, उसके बाद फिर वो जी गायब हो जाती है, क्या होता है क्या नहीं होता, और कुछ लोग उसको देखते हैं उसकी मौत के टाइम पे भी जो कि हमको दिख रहा है, और फिर वो कहता है मेरी बहन की सुसाइड नहीं हुई है। तो वो सारे सिस्टम है, भूत कहाँ से आ रहा है, पिछली जो है ना मूवीज़ के साथ से भूत आ रहा है, क्या चक्कर है। लेकिन नो डाउट कि विजुअल्स बहुत अच्छे थे, कैमरा सेटिंग्स बहुत अच्छी हुई हुई हैं, और पूरा जो उन्होंने सीन जो है क्रिएट किया है ना वो बड़ा अच्छा था। जब वो लड़का गाड़ी में बैठ के डर रहा था ना यार, वो तो उसने तो मुझे भी डरा दिया। ये तो पता है ना इनमें कितनी आवाज़ें आती हैं। तो कास्ट बहुत अच्छी ली गई है, दोनों लड़कियाँ दमदार। उधम जब वो चीखती है ना तो मुझे एक चाइनीज़ मूवी का याद आ जाता है। याद है वो एक लड़की थी जो कि चीखती थी, उसकी पावर थी, बहुत सारी उन लोगों में पावर होती है, तो वो उसकी चीखने की पावर थी। मुझे वो तमन्ना को देख के वो याद आ गया। खैर यार बहुत मज़े की जो है मूवी लग रही है, हॉरर मूवीज आनी चाहिए, मुझे बहुत पसंद है। वो अलग बात है कि फिर बाद में आपको डर लगता है, लेकिन आप कहते हैं यार मूवी दो, लेकिन तमिल वाले खूब डराते हैं आपको, सही वाला डराते हैं।
आपको तबीयत से, जब तक आप जो है डर ना जाए ना, वो मूवी का एंड नहीं करते। देखा आपने, स्टोरी में स्टोरी, स्टोरी में स्टोरी, स्टोरी में स्टोरी, ठीक है। और ट्रेलर जो है लंबा था लेकिन मज़ा आया देखकर। उम्मीद है आप लोगों को ये जो है रिएक्शन अच्छा लगा होगा। दोबारा मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा प्यार, बहुत सारे मैसेजेस प्लीज़ इस वीडियो को दें, अपना बहुत सारा प्यार दें, और इंस्टाग्राम पे ही मुझे ज्वाइन करें, वहाँ पर भी आएँ, मोस्ट वेलकम। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।